इनकम टैक्स डिटरमिन करने के लिए दो रिजीम्स या दो तरीके हैं. वन इज द ओल्ड टैक्स रिजीम या ओल्ड तरीका, एंड वन इज द न्यू टैक्स रिजीम या नया तरीका. काफी इनोवेटिव नाम है. इन रिजीम्स को कैसे चूज किया जाता है, इनमें क्या अंतर है, इससे आप कैसे अपना टैक्स बचा सकते हैं, वो सब इस वीडियो में जानेंगे. बट पहले फंडामेंटल्स. इनकम टैक्स का ढांचा बोलता क्या है? आप जो भी इनकम साल में कमाते हैं, वो आपकी सैलरी हो सकती है, आपकी रेंटल इनकम हो सकती है अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है या दुकान है या कुछ है, आपकी इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, आपने FD कराए हुए हैं तो उसकी इनकम, आपकी कोई और साइड इनकम हो सकती है, कहीं और से आपने कुछ इनकम कमाई हो आउटसाइड ऑफ योर सैलरी, उन सबको जोड़ते हैं. एंड फिर एक प्रोसेस के बाद, जिस प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे, आपकी एक टैक्सेबल इनकम निकल के आती है. इस टैक्सेबल इनकम को स्लैब्स में टैक्स किया जाता है. मतलब पहले कुछ की इनकम माफ करी, फिर उसके बाद की थोड़ी इनकम में थोड़ा टैक्स, फिर उसके बाद वाली इनकम में थोड़ा और टैक्स. ये स्लैब्स के बारे में भी बात करेंगे. एंड उससे आपका इनकम टैक्स साल का निकल के आता है. ये टैक्स आपको सरकार को देना होता है फॉर जनरेटिंग योर इनकम. अब इसमें एक ट्विस्ट एंड में आता है. इसमें से काफी टैक्स शायद आप पहले ही दे चुके होते हैं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ TDS या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. तो जो भी आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और जितना आपका टैक्स बना है, उसके हिसाब से आपका एडिशनल टैक्स कितना पे करना होता है वो डिटरमिन होता है. इस सारी चीजों को समझने के लिए ये वीडियो पूरे एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बारीकियां होंगी. स्किप करते रहिएगा पार्ट्स जो आपको ऑलरेडी पता है. शायद थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन कंप्लीट वीडियो होगा. सबसे पहले आपके इनकम सोर्सेस. जैसे मैंने बताया, इनकम सोर्सेस सारे होते हैं. आपकी सैलरी तो हो गई आपकी इनकम सोर्स, आपकी रेंटल इनकम आपकी इनकम सोर्स होगी, आपके इन्वेस्टमेंट इनकम आपकी इनकम सोर्स होगी, आपकी कोई भी और एडिशनल इनकम हो गई, आपने कोई फ्रीलांस किया है, कहीं कोई कंसल्टिंग कर रहे हैं, कहीं किसी के साथ कुछ काम वाम कर लिया अलग से और उसके लिए पैसे मिले, तो वो भी इनकम सोर्स है. ये याद रखिएगा कि कोई भी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में अगर आए और वो आपके रेगुलर जो पैटर्न्स हैं उससे मैच ना करे, वो कायदे से आपकी इनकम मानी जा सकती है. तो ये कभी नहीं करना चाहिए कि रैंडमली दोस्तों से पैसे मंगा रहे हैं या मम्मी पापा से कुछ ऐसे ही बड़ा सा पैसा लाया है. वैसे फैमिली की मनी ट्रांसफर जो होता है वो इनकम टैक्स फ्री होता है, बट जस्ट टू गिव यू सेंस कि किसी रिलेटिव से मंगा लिया ये सब, बी वेरी कॉन्शियस, क्योंकि ये पर्सनल फाइनेंस के सिंपल उसूल होते हैं. सरकार को एक तरीका पता होना चाहिए टू डिटरमिन कि आपका इनकम क्या है, एंड यू हैव टू डिस्क्लोज इट द राइट वे. तो ये सारी आपकी इनकम्स हैं. एंड फिर इसके बाद सरकार आपको दो ऑप्शंस देती है. वो बोलती है, एक ओल्ड टैक्स रिजीम था जहां इस पूरी इनकम को रिड्यूस करके एक टैक्सेबल इनकम लाने के लिए डिडक्शंस मिलती थी. मतलब कुछ कुछ चीजें जो सरकार आपको बोलती थी, अगर आप करेंगे तो आप अच्छे बच्चे हैं, एंड अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो आपका हम टैक्सेबल इनकम कम कर देंगे. आई गिव यू एग्जांपल्स ऑफ दैट. And these deductions can be applied in the old tax regime. सरकार ने फिर एक और ऑप्शन दिया 2020 में और बोला कि अगर आप कम इनकम टैक्स रेट्स चाहते हैं तो हम आपके लिए एक न्यू टैक्स रिजीम भी इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन इसमें आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेंगे. तो आप कम टैक्स रेट देंगे लेकिन डिडक्शंस नहीं मिलेंगी. तो जो भी आपकी टोटल इनकम होगी उसमें एक बेसिक को एक डिडक्शन होती है 50,000 रुपए की, वो लेने के बाद आपकी पूरी की पूरी बाकी इनकम टैक्सेबल मानी जाएगी. एंड आप डिसाइड कर लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन दोनों में से आपने कौन सा चूज करना है, लेकिन आपने जो चूज कर लिया वो फिक्स्ड है. नॉट फिक्स्ड इन द सेंस कि वो जिंदगी भर वही रहेगा. यू कैन चेंज योर रिजीम एवरी ईयर, लेकिन उस साल के लिए आप ये नहीं बोल सकते कि हमने ये टैक्स रिजीम चूज किया, अब मेरा मन ये करने का है, फिर मेरा मन ये वापस करने का है. एक साल में आपने जो टैक्स रिजीम चूज कर लिया, आप उसी के साथ रहते हैं. अगले साल आप उस टैक्स रिजीम को चेंज कर सकते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड नाउ द ओल्ड टैक्स रिजीम. ओल्ड टैक्स रिजीम में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जिसके अंडर आप अपना टैक्स कम कर सकते हैं बाय डिडक्टिंग इट फ्रॉम योर मेन इनकम. फॉर एग्जाम्पल, एक सेक्शन 16 होता है, विच इज द स्टैंडर्ड डिडक्शन. ये हर एक इंसान को, चाहे आप न्यू या ओल्ड टैक्स रिजीम के हैं, जिसमें आपका 50,000 रुपए जो टोटल आपने इनकम बनाई होगी उससे डिडक्ट होगा. ये सारा हम एक्सेल में दिखाएंगे कैसे काम करेगा. फिर आता है 80C, इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सपेंसेस के अंतर्गत, जिसमें आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए कम कर सकते हैं. अब इस इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सपेंसेस में क्या है? ELSS का नाम सुना है?
इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम। इसका मतलब अगर आप कोई भी ELS है, जो कि बेसिकली एक म्यूचुअल फंड होता है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, इसमें 3 साल का लॉक इन होता है, तो आप 3 साल से पहले अपना पैसा नहीं निकाल सकते। उसमें अगर आप 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करेंगे तो आपका वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा, मतलब आपकी इनकम से डिडक्ट होके आपकी टैक्सेबल इनकम 1.5 लाख से कम हो जाएगी, तो आपको उस 1.5 लाख पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, विच इज अ स्मार्ट थिंग, राइट? क्योंकि आपने वो 1.5 लाख इन्वेस्ट किया तो वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन उसमें आपने कोई टैक्स भी नहीं दिया तो वो बचत भी पूरी हो गई। एंड दिस इज अ वे फॉर द गवर्नमेंट टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट्स। मेडिकल इंश्योरेंस 1 लाख रुपए तक, तो आपके जो मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम है, वो लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है, वो सारे इन डिडक्शंस में फिट होते हैं। फिर एजुकेशन लोन बहुत ही बढ़िया है, ये मैंने अवेल किया था 80E, जो भी आप इंटरेस्ट पेमेंट देते हैं अपने एजुकेशन लोन पे 10 साल तक, वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट, चाहे वो जितना भी हो, आपका इनकम से डिडक्ट होकर टैक्सेबल इनकम कम कर देता है। तो मेरा क्योंकि ISB का लोन था, जहां मैंने अपना MBA किया था, 14 लाख रुपए का लोन था, और उसमें SBI का लिया था, शायद 6 या 7% पे लिया था या 8% पे, याद नहीं मुझे, तो उसका काफी इंटरेस्ट बन जाता था, राइट? एंड वो पूरा का पूरा मेरे इनकम से डिडक्ट हो जाता था, ब्रिंगिंग डाउन माय टैक्सेबल इनकम। तो मैंने कभी भी अपनी एजुकेशन लोन को जल्दी पे करने की कोई जल्दी नहीं मचाई, क्योंकि टैक्स बच रहा था। फिर 80G, जो भी चैरिटी होती है, जहां भी आप डोनेशन देते हैं, अगर वो 80G क्वालिफाइड होते हैं, तो जो सारे NGOs हैं वो अक्सर लिखते हैं 80G क्वालिफाइड, आपको 80G सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो सारा जो इनकम होता है, सॉरी, जो सारा आप चैरिटी में देते हैं, वो आपकी इनकम से डिडक्ट हो जाता है, रिड्यूसिंग योर टैक्सेबल इनकम। फिर 80TTA सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट जो है, उसमें आप 10,000 रुपए तक बचा सकते हैं, तो जो भी आप उस सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट कमाएंगे 10,000 रुपए तक का, वो टैक्स फ्री होगा। आपका सीनियर सिटीजन अगर सेविंग्स अकाउंट है, तो वो 50,000 रुपए तक इंटरेस्ट फ्री टैक्सेबल टैक्स फ्री होगा। आपका जो HRA है, जो पे स्लिप में नहीं है, वो 5,000 रुपए तक टैक्स फ्री होगा। आपका जो होम लोन का इंटरेस्ट पेमेंट है, तो आपने कोई घर लिया हुआ है एंड उसका लोन जो चुका रहे हैं उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा, वो 2 लाख रुपए तक साल का टैक्स फ्री होगा। द गुड थिंग इज कि अगर लोन आपने एक जॉइंट लिया हुआ है, लेट्स से यू आर मैरिड एंड आपने और आपकी वाइफ ने या आपके हस्बैंड ने वो लोन लिया हुआ है साथ में, तो दोनों इसको अवेल कर सकते हैं, मतलब 2-2 लाख रुपए का टैक्स कट सकता है या टैक्स बच सकता है, बिकॉज आप वो लोन साथ में ले चुके हैं। हाउस रेंट अलाउंस इन टैक्सेस का कोई लिमिट नहीं है, विच इज देयर। ये सारे आपके 80C के डिडक्शंस हैं, जो कि ये था ना 1.5 लाख रुपए का, ये वाला, ठीक है, ये सारे उसमें हैं। तो आपका PPF जो कटता है, सॉरी PPF अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपका EPF जो कटता है, हर प्रोविडेंट फंड जो सैलरी से कटता है, वो आपका इस 1.5 लाख रुपए में जाता है। आपका 5 ईयर के फिक्स डिपॉजिट्स अगर आप करवाते हैं, वो इसमें जाते हैं, क्योंकि प्लीज मत कराइएगा, क्योंकि ELSS इज अ फार बेटर ऑप्शन। ELSS इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड्स, ये म्यूचुअल फंड्स हैं, मार्केट की तरह बढ़ेंगे एंड आपका टैक्स भी बचेगा। NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है अगर आप रिटायरमेंट के लिए प्लान करना चाहते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, तो सीनियर सिटीजन का सेविंग स्कीम जो है वो बहुत बढ़िया है। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान प्लीज मत लीजिएगा, इंश्योरेंस को अलग ही हमेशा रखिए एंड यूज इट ओनली फॉर इंश्योरेंस, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। और बहुत सारे ऐसे हैं, सुकन्या हो गया, ट्यूशन फीस फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन हो गई, आपका हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट पेड है वो भी आप कर सकते हैं। तो हाउसिंग लोन में इंटरेस्ट तो आपको बच ही रहा है 2 लाख रुपए तक का, आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी इससे डिडक्ट हो रहा है। एंड स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस फॉर न्यू हाउस प्रॉपर्टी, तो ये पूरा का पूरा आप 1.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम बचा सकते हैं। सो एंड देर आर ऑफ कोर्स लॉट ऑफ अदर थिंग्स, ये पूरा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है बाय द वे, आप इसको चेक कर सकते हैं, बट मोटा मोटा ये रहता है। नाउ व्हेन यू डू दिस, लेट्स लुक एट द स्लैब्स। तो स्लैब्स आपके ये हैं कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम, राइट, टैक्सेबल इनकम, ये सारी डिडक्शंस के बाद जो आपकी टैक्सेबल इनकम बनेगी, अगर वो 2.5 लाख के अंदर है, तो उसका कोई टैक्स नहीं है अगर आप 60 साल से कम के हैं। 2.5 से 3 लाख रुपए वाला जो नेक्स्ट स्टेप होगा, मतलब पहले 2.5 लाख रुपए फ्री हैं, फिर जो नेक्स्ट 50,000 रुपए हैं उस पर आपको 5% देना, फिर नेक्स्ट 2 लाख पे 5%, फिर नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, और 10 लाख से ऊपर जो अमाउंट होगा उस पर 30%। एंड ये साल के हिसाब से बटा हुआ है, तो सीनियर सिटीजंस को काफी टैक्स बेनिफिट मिलता है। एंड लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। तो आपकी फर्ज करिए 10 लाख रुपए तनख्वाह, एंड आपने
2 लाख रुपए की डिडक्शन कर ली, तो 1.5 लाख रुपए आपने ATC कर लिया, 50,000 रुपए जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो सब। तो दिस इज हाउ इट विल वर्क। तो आपकी टैक्सेबल इनकम हो गई 8 लाख रुपए, एंड ये जो 8 लाख रुपए हैं इस पे आपका ये पूरा टैक्स बैठेगा। तो 5% स्लैब पे आपको 12,500 देने पड़ेंगे, 20% स्लैब पे आपको 60,000 देने पड़ेंगे, कोई 30% वाला स्लैब नहीं है क्योंकि 10 लाख के अंदर अंदर आपकी टैक्सेबल इनकम है, सरचार्ज वगैरह वो सब कुछ नहीं है, सेस आपका जुड़ेगा 4%, तो मान लीजिए एडिशनल अमाउंट होता है, तो योर टोटल इनकम टैक्स विल बी 75,400 रुपीज। एंड अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं एज योर टोटल इनकम, तो आप देखेंगे कि आपका इफेक्टिव टैक्स रेट जो है वो 7.54% बैठता है, 7.54%। तो ये है इफेक्टिव टैक्स रेट, ठीक है। अब आते हैं न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में क्या होता है? न्यू टैक्स रिजीम में आप देखेंगे कि टैक्स जो है रेट कम है एंड उनके स्लैब्स बड़े हुए हैं। तो पहले तो 2.5 लाख रुपए पे जीरो था, यहां 3 लाख रुपए पे जीरो है, फिर अगले 50,000 पे 5% था, यहां अगले 3 लाख पे 5% है, फिर अगले 2 लाख पे 5 लाख तक, मतलब 3 से 5 लाख में 5% था, यहां 6 से 9 लाख पे 10% है, यहां 5 से 10 में 20% है, यहां 9 से 12 में 15 है, और 12 से 15 तक 20% है, और यहां 10 लाख से ऊपर आप 30% दे रहे थे, यहां आप यहां 15 लाख ऊपर से 30% देंगे। लेकिन एज आई सेड बिगेस्ट डिफरेंस क्या है कि कोई डिडक्शंस आप क्लेम नहीं कर सकते। तो ये जो सारी डिडक्शंस थी ना, ये सेक्शन 16 तो मिलता है, लेकिन ये सेक्शन 80 जो पूरा है, 24 हो गया, सेक्शन 10, ये सब आपको नहीं मिलता। तो लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। वाइफ 10 लाख रुपए की सैलरी, एंड अगर आप 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, 9.5 लाख रुपए आपका टैक्सेबल इनकम। अब इसके अकॉर्डिंग आपकी ये डिडक्शन आ गई, सेस आपका 4% बन गया, तो आपका इनकम टैक्स बन गया 54,600 रुपीज, मतलब नियरली, एंड लेट्स डू द डिफरेंस, नियरली 21,000 रुपए साल का फायदा, विच इज अ ह्यूज अमाउंट ऑन दैट बेस। अब आप इस कैलकुलेटर को यूज करके डिसाइड कर सकते हैं कि ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में से कौन सा आपने चूज करना चाहिए। एज अ गाइडेंस, अगर आपकी सैलरी काफी ज्यादा है एंड आपके पास डिडक्शंस के जरिए भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि डिडक्शंस आप देखेंगे कुछ कुछ तो लिमिट वाले हैं, लेकिन कुछ कुछ में लिमिट नहीं है। एजुकेशन लोन में कोई लिमिट नहीं है, आपके हाउस रेंट में ऐसा कोई इतना लिमिट नहीं है, चैरिटी में कोई लिमिट नहीं है। तो फर्ज करिए आपकी सैलरी 30 लाख रुपए साल की है एंड आपने 5 लाख रुपए तक की डिडक्शंस कर ली, जैसे भी हो, इन्वेस्टमेंट्स के रूप में, एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट हो गया, कुछ भी और, एंड यू सडनली नाउ हैव द ओल्ड टैक्स रिजीम की इनकम टैक्स 585,000, मतलब 5,85,000, एंड न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 6,08,000। तो आपका जो इफेक्टिव टैक्स बना वो ओल्ड टैक्स रिजीम में 19.5% एंड नए टैक्स रिजीम में 20%, 20.28%। तो ये हायर सैलरीज पे हायर डिडक्शंस के साथ एक अच्छा रिजीम, विच इज दी ओल्ड रिजीम। लेकिन मेरा मानना है कि सरकार ने बहुत स्मार्टली 2020 में जब इसको इंट्रोड्यूस किया था, उनका फोकस यही था यार, कुछ सालों में धीरे धीरे, क्योंकि लोअर इनकम में, लाइक एंड लोअर में बोलूंगा कैसे, अगर आप 6 लाख भी करते हैं एंड 50,000 भी डाल देते हैं, तो आप देखेंगे कि ओल्ड रिजीम में आपको 23,000 रुपए टैक्स भरना पड़ता है, जो कि करीब 4% है, और न्यू रिजीम में आपको कुछ भी नहीं भरना पड़ता। तो आप धीरे धीरे फॉर एटलीस्ट द लोअर इनकम विद इवन द बेयर मिनिमम डिडक्शन, लोगों को न्यू टैक्स रिजीम की तरफ ले जा रहे हैं जहां कोई डिडक्शंस नहीं। एंड डिडक्शंस अगर नहीं होती हैं तो नेचुरली सरकार पे कोई फिस्कल लोड नहीं आता है, कोई बजटरी लोड नहीं आता है, दे डोंट हैव टू ओवर कॉम्पेंसेट फॉर समथिंग, एंड धीरे धीरे आपके टैक्स कम होने की वजह से होपफुली टैक्स के जो लोग हैं, जितना लोग इनकम टैक्स भरते हैं, वो स्प्रेड होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अभी भारत में करीब 5% लोग ही हैं जो कि टैक्स भरते हैं या देते हैं, एंड दैट होपफुली इंक्रीजेस, एंड वो करने का एक बढ़िया तरीका है न्यू टैक्स रिजीम, जहां टैक्स रेट्स कम है एंड शायद और कम होते रहेंगे। अब कुछ कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड
questions. Number 1, maximum non-taxable income limit कितनी है? तो non-taxable maximum limit है 2.5 lakh rupees per person. And इसमें जैसे लिखा हुआ है, आपको rebate मिल सकता है 12,500 का section 87A में, अगर आपकी income जो है वो 5 lakh rupees से कम है. Which is why you saw कि 5 lakh rupees पे भी हमें zero tax देना पड़ा था. अगर आपके पास tax saving है 80C के अंतर्गत, तो आपको 6.5 lakh तक कोई income tax नहीं देना है. तो टेक्निकली 6.5 lakh rupees साल की तनख्वाह कमाने पे आप जीरो इनकम टैक्स भरेंगे अगर आप वो 1.5 lakh rupees की इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, विच इज वेरी वेरी इंप्रेसिव. क्या सबको इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है? तो अगर आप इनकम टैक्स के एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे हैं, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर एक दूसरे केस में मैंडेटरी है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरें. इनकम टैक्स बचाया कैसे जाए? या दो तरीके हैं इनकम टैक्स बचाने के. एक कि आप डिडक्शंस करते रहिए. दूसरा, जो जेन्युइनली मेरी राय रहेगी, कि किसी पॉइंट पे ना आप अपनी इनकम बढ़ाने पे ज्यादा फोकस करें टैक्स घटाने से ज्यादा. टैक्स घटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड एक तरीके से जिम्मेवारी है हर एक नागरिक की टैक्स देना, एंड इट इज अ गुड साइन कि आप उतना पैसा कमा रहे हैं कि आप सरकार को टैक्स दें. तो अगर आप इनकम इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, तो आप बाकी के पैसों से अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाएंगे टैक्स देने के बाद भी. क्या नए टैक्स रिजीम में कोई भी डिडक्शन पॉसिबल नहीं है? नहीं दोस्त, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, लेकिन उसके बियॉन्ड कोई और डिडक्शन नहीं मिलती है. टैक्स रेट्स कम है, एंड स्लैब फॉर द इनकम टैक्स फॉर दोज रेट्स वाइडन हो चुके. आखिरी चीज, इनकम टैक्स डरने की चीज नहीं, इनकम टैक्स करने की चीज है. इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करते हैं, तो आप एक जिम्मेदार फिस्कल रिपोर्ट बनाते हैं खुद के. सरकार को जितना टैक्स देना है ना, वो सबसे लास्ट स्टेप है. सबसे पहला स्टेप तो ये है कि मैंने कितना कमाया, उसमें से कितना खर्चा हुआ, उसमें से कितनी बचत करी, एंड उसके बाद मेरा कितना कोट अनकोट प्रॉफिट बना है, विच इज द टैक्सेबल इनकम, जिसमें मुझे टैक्स देना है. ये डेटा तो हर एक इंसान की जिंदगी में हर एक इंसान को पता होना चाहिए कि आप कितना कमा रहे हैं, उसमें से कितना बचा रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना आपका प्रॉफिट बना है जिस पे आपको टैक्स देना है. क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा, आप अपने पैसे पे कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. टैक्सेस के बारे में मैंने काफी लिखा है इन माय लेटेस्ट बुक मेक एपिक मनी, जहां मैंने जेन्युइनली ये बोला है कि यार टैक्स देना ना एक तरीके की जिम्मेदारी है एंड शान की बात है, क्योंकि आप इतना पैसा कमा रहे हैं कि आप सरकार को उस पैसे में से थोड़ा बहुत दे सकते हैं देश चलाने के लिए, एंड अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट बना सकते हैं सो दैट यू नो कि आप कितने प्रॉफिटेबल हैं एज अ कंपनी, इफ यू थिंक अबाउट योरसेल्फ एज अ कंपनी. आई होप इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं अराउंड इनकम टैक्स. यही वक्त है जब आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे. डरना नहीं है दोस्त, उसका सामना करके समझ के उस पर जीत हासिल करनी है, एंड दैट इज द वे टू लीड लाइफ. दिस इज अंकुर वारिकु साइनिंग ऑफ. मेरी नई बुक मेक एपिक मनी इज नाउ अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर. ये ऐसी किताब है जिसमें मैंने पैसे के बारे में वो हर एक चीज सिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश करी है जो काश मुझे किसी ने बताई होती जब मैं अपने 20s में. एक बहुत ऑनेस्ट, बहुत सिंपल और बहुत जरूरी बुक. ऑर्डर करिए Amazon पर.